आज कैंटीन में मेन्यू मेरी पसंद का है। अच्छा, वो क्या? बिहारी। बिहारी, गुड है यार। कैंटीन में खाना शुरू होने से बीवियों को बड़ी आजादी हो गई है, लेकिन एक बात है, खाना बड़ा लजीज मिलता है। ये बात तो है यार। चलो फिर, देर किस बात की? यार काशिफ आ जाए ना तो मैं उसके साथ आता हूँ फिर। तुम चलो। वाह क्या दोस्ती है। काशिफ के बगैर शानी नहीं खाता, शानी के बगैर काशिफ नहीं खाता। लोग आप दोनों की मिसालें देते हैं। दरअसल बात यह है कि हम दोनों एक साथ पले बढ़े और उसका कोई भाई भी नहीं है। हमने एक दूसरे को कभी अलग नहीं समझा। दो जिस्म एक जान है। हम लो, शैतान का नाम लिया और हाजिर हो गया। हाँ भाई, हो गया। चलो, देर किस बात की? ऐसा ना हो कैंटीन में सब खत्म हो जाए। अरे नहीं नहीं, तुम खुद जाके ऑर्डर कर दो, मसला नहीं है, खा लेंगे। बहुत भूख लग रही थी इसको। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है, आपका इंतजार करते करते सोइए। क्यों भाई, मेरा इंतजार करते करते क्यों सो गई प्रिंसेस? वही फरमाइशी प्रोग्राम। क्या मतलब? यही कि पापा के साथ सुबह उठ के प्लान बनाना है। तो फिर क्या फाइनल किया मेरी गुड़िया ने? अब तो ये आपको सुबह उठ के बताएगी। अच्छा तुम बताओ कहाँ जाना चाहते? मेरी चाह तो आप दोनों से जुड़ी है। आप जहाँ चाहे ले जाए, मैं चली जाऊंगी। तो गोया हमारी मोहब्बत तकसीम हो गया? क्यों, आपको ये तकसीम अच्छी नहीं लगी? बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये तकसीम मेरी तरफ से हो चुकी है। ये गलत कह रहे हैं आप, ये तकसीम नहीं है, जरब हो गई है। और ये आखिरी सांस तक ऐसे ही बढ़ता रहेगा, ये मेरा वादा तुमसे। अब कैच करेगा मेरा प्रिंसेस? पकड़ 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 लिया मेरी प्रिंसेस ने। वाह भाई वाह। चलो चलो, बाबा के पास करो जल्दी से। अरे वाह, अब बाबा किक करेंगे किक। अब बाबा मारेंगे किक अपनी प्रिंट। किक मारो तो। अरे वाह भाई वाह 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 वाह। चलो ये फिर पकड़ो। अरे वाह, पूरी आ गई। इसको देखना, खेलो प्रिंसेस। काशिफ। हाँ काशिफ, क्या हुआ? अरे अजीब बातें कर रहा है। अगर कुछ होगा तो मैं तुझे फोन करूंगा। अबे मेरा मतलब है छुट्टी वाले दिन तो चिल कर। अबे चिल ही कर रहा था यार, मार्केट से निकला हूँ। और हाँ, तुझे एक बात बताना भूल गया, आज मेरे घर वाले मेरे लिए लड़की देखने गए भाई। ये तो बहुत जबरदस्त बात है भाई, इस दफा मना मत करियो, पहले तेरी इतनी उम्र हो गई है। है? मतलब तू मुझे अब उम्र का ताना मारेगा? अबे भाई अभी भी तुझसे छोटा ही लगता हूँ, समझा? अच्छा चल ठीक है, कल ऑफिस में मिलते हैं। ओके चलो ठीक है, फिर बात करेंगे। ओके अल्लाह। प्रिंसेस, आओ जल्दी से बाबा के पास। क्या हो गया भाई, संडे के दिन में कॉल? किसकी कॉल थी वैसे? काशिफ की कॉल थी। लगता है इस बार फिर शादी हो जाएगी। सुने, आप पूरी 3 बॉटल पी चुके हैं खांसी की, लेकिन आपको आराम ही नहीं आया। अरे ठीक हो जाएगा। और अब चलो, अब हम अपने प्रिंसेस को प्ले लैंड लेके चलते हैं, क्योंकि उसने झूले झूले ना। बिल्कुल नहीं सुनते मेरी बात। अरे चलो ना। ये बड़ी अच्छी आदत डाल दी आपने, आपके सीने पे सर रखे बगैर इसे नींद ही नहीं आती है। मेरी जान है इसमें। शानी, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चल। इस वक्त पागल हो रही हूँ क्या? आराम आ जाएगा। एहतियात के बगैर कैसे आराम आ जाएगा?
मैंने आपको कितनी बार समझाया है खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक मत पिया करें, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं है। अच्छा बाबा, कब सिरप पी रहा हूँ मैं? तुम खामखा परेशान क्यों होती हो? खैर ये बताओ शर्जील कब आ रहा है तुम्हें लेने के लिए? कल जब ज़ैनब स्कूल से आ जाएगी ना, उसके बाद आएंगी, अम्मी भी साथ होंगी। और आपको तो पता है शर्जील भाई की शादी की सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पर हैं। हाँ भाई, तुम पूरे खानदान की सुकरात जो हो। तुम सो जाओ, मैं दवा पी कर आता हूँ। खांसी भी अचानक तेज हुई थी, उन्हें भी थूक पे खून आया था, अगर इसने उनकी जान भी ली थी तो अल्लाह ना करे ऐसा। मैं सुबह डॉक्टर के पास जाऊँ। जल्दी जल्दी नाश्ता करो ज़ैनब, वैन आने वाली है। क्या हुआ, आप नाश्ता नहीं कर रहे? नहीं अभी दिल नहीं कर रहा मेरा। अच्छा ठीक है, आज आपने डॉक्टर के पास जाना है और मैं ज़रा काम से जाऊंगी, वापसी में लेट हो जाऊंगी। मैंने खाना बना के फ्रीज़र कर दिया है, आप आके गर्म कर लीजिएगा। ठीक, जल्दी खाओ, शाबाश। उसकी तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल से होता हुआ आएगा। मेरे पास फोन आया था उसका। खैरियत? पता नहीं, जब आएगा तभी पता चलेगा। आज उसको लाजमी है फाइल चेक करवानी है। ठीक है, करा दूंगी। आप अकेले आए हैं ये किसी के साथ लाए हैं? अकेला है वो डॉक्टर। सब खैरियत तो है ना? नहीं, खैरियत तो नहीं है, परेशानी वाली बात तो है। आपने मुझे अपने वाले साहब के बारे में बताया था, एक्चुअली मुझे ये केस वैसे ही लग रहा है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ना हो। कहीं मुझे भी तो डॉक्टर। हाँ, मुझे तश्वीश है कि ये लास्ट स्टेज ना हो, क्योंकि ये मर्ज़ अपनी अलामत उस वक्त ज़ाहिर करता है जब पानी सर से गुजर चुका होता है। बेहतर होगा जब आप कल रिपोर्ट लेने आएँ तो अपने साथ किसी को लाएं। जिंदगी की कितनी उम्मीद है डॉक्टर? अल्लाह चाहे तो क्या नहीं कर सकता। आप दुआ करें, लेकिन आपको बहुत हिम्मत करना होगी।
क्या? मेरी गुड़िया, ऐसे नहीं बोलते। पापा तो बिल्कुल ठीक है ना? ठीक है ना? बिल्कुल। चलो बाबा को पापा जो एक चीज से तुम्हें क्या हो गया? मुझसे आपकी ऐसी हालत नहीं देखी जाती। क्या हो गया तुम लोगों को? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। किसी हालत के पीछे परेशान हो रहे हो, और अगर कल को मैं मर गया तो? ऐसा नहीं बोले, कुछ नहीं होगा आपको, सब ठीक हो जाएगा। क्या हो गया यार, तुम अभी तक ऑफिस नहीं आए? कहाँ पे हो? हॉस्पिटल में? नहीं, मैं घर पर हूँ। खैरियत तो है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, सब खैरियत है यार। बस वो थोड़ा सा ना बुखार हो गया था, तो इसलिए सोचा छुट्टी कर लूँ। तो मैं घर पर आराम करने आऊंगा। चलो ठीक है, मैं ऑफिस में बता दूंगा। अच्छा मैं काम करता हूँ, ऑफिस से वापसी में तुम्हारे पास चक्कर लगाता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं कल ऑफिस आऊंगा। पक्का? हाँ पक्का। चलो ठीक है। अच्छा अगर फिर भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर लेना। हाँ जरूर करूंगा। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। सोले, देख क्या गाड़ी नहीं चला सकता? बाहर बाहर अबे अबे, मेरा दोस्त गाड़ी का नीचे आया था तो क्या करता? क्या हो गया अबे भाई, लेके जा। क्यों, किस तरीके से करता? काशिप, अबे क्या मतलब है? या तेरा बंदा मर जाए, मेरा दोस्त मर जाए, तुझे फर्क नहीं पड़ेगी? काशिप मेरी गलती थी, छोड़ दे जाने तो। काशिप अबे तू बंदा मारने में लगा है, चाली वाली यार, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। काशिप छोड़, मेरी गलती थी। मेरी क्या गलती थी यार, पागल आदमी। काशिप भाई भाई, तू इधर आ। काशिप मेरी गलती थी, थोड़ी चली भाई। हटो यार, काशिप मेरी गलती। गाड़ी चलानी नहीं आती यार, अभी अल्लाह ना करे तुझे कुछ हुआ तो मैं क्या करता? बस कर दे, सही सलामत खड़ा होना, जिंदा होना तेरे सामने। गाड़ी उठा, गाड़ी उठा। Thank you.
कि मैं आज लेट हो जाऊंगी। हम लोग ना शर्जील के इन-लॉज के घर पे रहे, फिर शॉपिंग के लिए भी निकलेंगे। आप वापसी पर अपनी दवा लेते आइएगा, ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा सुने सुने, ये ज़ैनब आपसे कुछ कहना चाहती है। I love you, papa. नहीं, वो शर्जील भाई छोड़ के गए। मैंने कहा भी था रुक जाएं थोड़ी देर चाय पी के जाएं, लेकिन वो रुके नहीं, उन्हें देर हो रही थी। अच्छा आप डॉक्टर के पास गए थे? हाँ गया था मैं, दवा ले आया वहां से जाकर। क्या कहा डॉक्टर ने? नहीं कुछ खास नहीं, बस वो वैसे मौसमी असरात है। सही, लेकिन अब से आपने बाजार का खाना नहीं खाना है, वो ही खाना है जो मैं घर में बनाऊंगी, ठीक है? आपने कुछ खाया? नहीं मुझे भूख लग रही है। अच्छा मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। आपको पता है खाला ने पूरा 7 तोला सोना खरीदा है और उसी से वो जेवर बनवाएंगी, और कहती हैं कि आज पूरा शहर देखने के बाद ही दुल्हन के लिए अच्छा सा लहंगा खरीदेंगी। तो तुम आज भी जाओगी? हाँ आज भी और शायद कल भी। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे नाश्ता तो करते जाएं। नहीं ठीक है। क्या हो गया है? अच्छा तुम नाश्ता फिनिश करो। आप अपने साथ किसी को नहीं लाए? नहीं डॉक्टर, अकेला आया हूँ। रिपोर्ट में क्या है? अगर आपका कोई भाई या कोई रिश्तेदार होता तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। कोई प्रॉब्लम नहीं डॉक्टर, आप मुझे बता दीजिए, बहुत हिम्मत है मुझ पर। शानी आपको कैंसर है और उस कैंसर की लास्ट स्टेज है। आई एम सॉरी। पानी पियो, खांसी हो रही है, पानी पियो, come on, ठीक हो यार, नहीं बुरी हालत है।
यार जब तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है तो घर में बैठ के आराम करते हो, ऑफिस क्यों आए? छुट्टियां लेने तो आया था यार। तो मुझे बोलते मैं ले लेता। बैठ। छुट्टियां ज्यादा चाहिए, पेशावर जा रहा हूँ। पेशावर? तेरी भाभी है ना, उसके कजन की शादी के सिलसिले में। ओ अच्छा, वही वाला कजन जो बाहर से आया हुआ है? हाँ। ओ आई सी। वैसे यार तुमने मुझे पिछले हफ्ते ही तो हॉल कराने के लिए बोला था। मैंने कहा था? नहीं, वो दूसरा था, ये दूसरा है। कमाल है यार, लोग शादियों पे शादियां किए जा रहे हैं। अरे हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। ये देखो, दरअसल मेरे घर वाले कर मेरे लिए लड़की देखने के लिए गए थे। तुम बहुत खुश नसीब हो, अगर भाभी जैसी मेरी बीवी होती ना, मैं तो नाश्ता करता। अरे कहाँ को गए, ये बताओ ना लड़की कैसी है? नहीं यार, ये लड़की बिल्कुल तेरे लिए ठीक नहीं है। क्या मतलब भाई? अरे तुम ही तो बोल लेते जो भी रिश्ता मिले फौरन हाँ कर देना। देख तू अपनी जबान से फिर रहे हैं, इसमें खराबी क्या है? खराबी कोई नहीं यार, बस थोड़ी तेज और नचड़ी से लग रही है, पता नहीं, पर मुझे पसंद नहीं आई यार। ठीक है भाई, तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो बात यही खत्म। वैसे भी मैंने आज तक तुम्हारे पूछे बगैर कोई काम किया। तू ये रख, मैं जरा बॉस को एप्लीकेशन देकर आता हूँ छुट्टी की। गाड़ी रोक, निकाल दे जल्दी, गोली मार दूंगा नहीं तो। डाल मोबाइल दे जल्दी, गोली मार दूंगा। मुख्य जिंदगी से अब मार दे मुझे। क्या बात है, अब अभी तक जाग रहे हैं? ये टाइम है तुम्हारा आने का? मैंने आपको फोन किया था लेकिन आपने कॉल ही रिसीव नहीं की। मैं आपको बताने वाली थी। मुझसे पूछा था तुमने? आपको बताया तो था। बताने और पूछने में फर्क होता है। जहाँ से आई हो ना, वहाँ से वापस चली जाओ। क्या हो गया शानी, इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा? छोटी सी बात, वो पैसे वाला कजन है ना तुम्हारा, तो जाओ उससे शादी कर लेती। ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, निकल जाओ मेरे घर से। शानी, ये रूबी शादी के इंतजाम देख रही थी, हमारे साथ ही है। मान लेती है तुम्हारी, पता नहीं कहां कहां फिर कर आ रही है। शानी, अपनी जबान को संभाल के बात करना, तुम्हारी इज्जत करता हूं, वरना क्या कर लोगे तुम? आप इतना घटिया सोच सकते हैं, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी। तुम इतनी घटिया हरकत करो और मैं सोचूं भी ना, एक मिनट के अंदर मेरे घर से निकल जाओ और अपनी बेटी को भी साथ लेकर चली जाना, वरना मैं तुम्हें खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। आप
निकल जाओ यहां से। आपको अकेले छोड़ के जा रहे पापा को मिस करोगे ना पिता, पापा को माफ कर दो। आप क्या करोगे पापा के बगैर? पापा के पास कुछ भी नहीं है आपको घर के सिवा देने के लिए बेटा। माफ कर दो पापा को। हेलो। अफसोस तुम्हारा चेहरा बेनकाब होने में वक्त लग गया। धोखेबाज औरत। शानी, आप हंसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। चेहरा मेरा नहीं, आपका बेनकाब हुआ है। मैंने कौन सा धोखा दे दिया आपको? हाँ। तुम्हारी शर्जील से मोहब्बत? शादी की बात क्यों जागी? शर्जील की तरह अमीर नहीं हूँ ना मैं। जबान संभाल के बात करें, भाइयों जैसे है वो मेरे। कितनी गंदी सोच है आपकी, आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। अब तो मैं सरापा तुम्हें गंदा ही नजर आऊंगा। तुम्हारी खुशियां जो पूरी नहीं कर सकता ना। शर्जील नहीं हो ना। बस कर दे अल्लाह के लिए, बस कर दे। आप इस तरह बदल जाएंगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। और आपके अंदर की गलाजत मेरी पाकिस्तानी को दागदार नहीं कर सकती। नफरत करती हूँ मैं आपसे, नफरत करती हूँ। आई हेट यू। बाजी, बाजी, आप कब तक इस तरह उदास बैठी रहेंगी? कोई तो हल होगा इस मसले का। मेरा रिश्ता शायद बाहर उठ गया। अगर शानी को मुझे छोड़ने ही था तो मुझे बता देते, मैं खुद ही उनकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाती। लेकिन इस तरह मेरी किरदार कशी तो ना करते, अब कुछ नहीं बचा। लोग तो आप दोनों की मिसालें दिया करते थे, पता नहीं किसकी नजर लग गई आप दोनों को। नजर नहीं लगी, बल्कि उनका मकरूह चेहरा मेरे सामने आ गया। उनके जबान से निकले हुए अल्फाजों ने मेरे दिल में उनकी इज्जत और मोहब्बत का कत्ल कर दी। अब कुछ नहीं बचा निम्बा। अम्मी भी शानी भाई को कॉल्स करेंगे, मगर मुसलसल उनका नंबर बन जा रहा है। नहीं,
उसका मुझसे दिल भर गया या फिर उसकी जिंदगी में कोई और आ गई है। ऐसे नहीं कहते, अगर वो गलत सोच रहे हैं कम से कम आप तो ऐसे नहीं कहें। अब सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। बहुत देर से शानी को कॉल कर रहा हूँ लेकिन उसे कॉल ही नहीं लग रही। एक काम करो जरा, तुम कॉल करके चेक करो। हेलो, आप काशिप बात कर रहे हैं? जी जी, मैं काशिप बात कर रहा हूँ। आप शानी के दोस्त बात कर रहे हैं? जी, मैं शानी के दोस्त बात कर रहा हूँ। आप फौरन अस्पताल आ जाएं क्योंकि शानी की तबीयत बहुत खराब है। What? बाजी, मैं जैनब को लेके पार्क जा रही हूँ, जब आप उठे तो गेट लॉक कर लीजिएगा। सही, ओके। जैनब आओ, चलो हम कहाँ जा रहे हैं? पार्क, और वहाँ पे जाके हम क्या क्या खाएंगे? आइसक्रीम खाएंगे, चॉकलेट्स खाएंगे। बहुत खूबसूरत लग रही है। आपको तो बस मौका चाहिए हर सैटरडे संडे बाहर आने का। आपको याद है हम जैनब को अम्मी के पास छोड़ कर आए? अब बस जल्दी करें ना। हाँ भाई, मैं कुछ कहूँ? कहें, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। जानती हूँ। लो भाई, तुम्हारी पसंद पिज्जा। वक्त बहुत कम है। ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है? तुरंत मैं डॉक्टर से पूछता हूँ क्या हुआ तुझे। अच्छा, डॉक्टर से बात हो गई है मेरी? बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे पास, वो फाइल पड़ी है, तू देख ले। यार पता ही नहीं चला कैसे ऐसा हो गया। यार मैंने अपनी बीवी को भी नाराज कर दिया, प्लीज उसको मत बताना यार, प्लीज। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सुन काशिफ, तुम मेरे काम करेगा? हाँ।
मैंने वादा कर। तुम मना नहीं करोगा? हाँ, वादा कर रहा हूँ, नहीं करूँगा मना। वादा कर, तुम मेरे मरने के बाद तुम से शादी करेंगे? कर लेना यार। शानी, मेरी बेटी मुझसे बहुत मानूस है यार, बहुत खुश है तुझसे। और यकीन मान मुझे सबूत तभी मिलेगा यार कि मेरी बीवी जब तुम्हारे साथ रहेगी। शानी, तू ये क्या कह रहा है? मैं भाभी से तू ही तो कहता था यार कि तेरी बीवी जैसी बीवी चाहिए मुझे। देख, मैंने सारा शहर ढूंढ लिया यार, लेकिन मेरी बीवी जैसे कहीं नहीं मिली। शानी, खुदा के लिए काशिप, इनकार मत करना यार। मैंने कभी तुझसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे। मैं जानता हूँ कि मेरे मरने के बाद तू ही है जो मेरे बीवी बच्चों को मेरी तरह खुश रख सकता है यार। तू हाँ कर देगा तो मैं सुकून से मर सकूंगा यार। मैं अपनी बीवी से बात कर लूंगा यार। तू मना मत करना प्लीज, बस उनका ख्याल रखना ताकि मैं सुकून से मर सकूं यार। करेगा ना तू मेरी बीवी से शादी? यार आज अभी मैं सोच तू तेरी हर खुशी में साथ है यार, तू कैसी बातें कर रहा है? चले जी, मुझे पोयम सुनाए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर
what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. The sky. That's good. Papa ki princess kaun hai? Rana. Padma. अब कैच करेगा मेरा प्रिंसेस पकड़ लिया मेरी प्रिंसेस ने वाह भाई वाह अलुमिया अलुमिया पेकम की टोकन सो रहे थे पेकम लात मारी रो रहे थे मम्मी ने प्यार किया असल रहे थे माय प्रिंसेस फातमा से फातमा ले लो बनी।